स्कूल, और अभी एकदम अंधेरा हो रहा है, मतलब हल्की से एकदम रोशनी भी, सारा पोल वोल सब चल रहा है, सारी लाइट चल रही है, अभी पोल पर जितनी लाइट है सब चल रहा है सारा कुछ। आजकल तो बहुत देर से हो रही है, सवेरा देर से हो रहा है, टाइम थोड़ा सा बढ़ गया तो इसलिए एकदम अंधेरा हो रहा है। बस चलते हैं ऊपर, और इस चला गया स्कूल, और हम भी इतना काम कर लिया, आज मछली बनेगी तो बस मछली निकाल दी है और दूध निकाल दिया है। पापा ये वाला वो जो फुल मिल्क है वो नहीं ले रहे हैं, तो आजकल ये वाला ले रहे हैं, अमूल का जो आता है ये वाला दूध जिसमें फैट कम होता है, ये वाला दूध, तो वो भी निकाल दिया है, गर्म पानी में कर दिया, और 10 मसाला भी, प्याज भी काट दिया, बस इसको ग्राइंड करना है, और गोभी की भुंजिया बनेगी तो वो भी काट दिया है, और इधर पापा का दलिया भी चढ़ा दिया तो बस हो ही गया है वो भी। तो अभी फ़िलहाल 5:30 भी नहीं हुआ है, और इस गया है स्कूल, एकदम अंधेरा हो रहा है, तो जा रहे हैं अभी थोड़ा देर बैठेंगे, सब कुछ तो कर ही दिया है, फिर आराम से 6:30 में आएंगे तो सारा कुछ बनाएंगे। तब तक पापा भी अभी फ़िलहाल नमाज़ पढ़ करके गए सोने के लिए, और हम जा रहे हैं मछली बनाने के लिए। तो इधर मसाला उसका भून ले रहे हैं, प्याज लहसुन और जो भी ड्राई मसाला होता है हल्दी मिर्च वो, इधर गोभी भी चढ़ा दिया है, गोभी की भुंजिया वो भी हो गया, बस 2 पीस मछली को इस तरह से मैरिनेट करके रख दिया है फ्राई करने के लिए। पापा तो खाएंगे नहीं तली हुई मछली ज़्यादा, बस ऐसे ही खाएंगे, तला हुआ ज़्यादा तो उनको अलाउ नहीं है, तो आरिस अगर खाएगा तो एक आरिस के लिए और एक अपने लिए, बस ऐसे करके मैरिनेट करके रख दिया है। तो ये तो फिर दोपहर में तलेंगे खाते वक्त ही, और ये जा रहे हैं बस मछली चढ़ाने के लिए, मसाला हो जाए उसके बाद फिर जल्दी से मछली चढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक सहर रस्मी व्लॉग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अभी फिलहाल 9:30 हो रहा है, नाश्ता वगैरह हो गया और नए दिन की फिर से शुरुआत हो गई है, और मैं साइज स्कूल गया, इतना सवेरे गया, इतना अंधेरा हो रहा था कि लग रहा था कि रात में ही स्कूल जा रहा है, सारी लाइट वाइट सब जल रही थी और एकदम सन्नाटा हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि रात में उठा और स्कूल चला जा रहा है। तो ये वही है ना कि अब तो मतलब काफी देर में सवेरा हो रहा है, सनराइज तो काफी देर में हो रहा है, इस वजह से वो, लेकिन उन लोगों के स्कूल की टाइमिंग तो फिर वही है जो अभी फिलहाल था सवेरे वाला, वही अभी कोई विंटर टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ठंडक तो है नहीं, लेकिन हाँ ये कि एकदम अंधेरा अंधेरा में जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि रात में ही जा रहा है। तो खैर अभी तो लग रहा है कि चेंज भी नहीं होगा, अभी जो स्कूल बंद होगा, डीपी की छुट्टी होगी उसके बाद फिर खुलेगा, तब भी नहीं चेंज होगा। हाँ लग रहा है दिवाली और छठ की जो छुट्टी होगी उसके बाद जो फिर स्कूल खुलेगा तो फिर बंद होगा, मतलब फिर टाइमिंग चेंज हो गया उसके बाद ही। तो खैर जब तक अभी ऐसे ही जाएगा, और आज उन लोगों यहाँ से जो जाता है और बच्चा उसका दोस्त लोग बोलोगे आज स्कूल लगता है नहीं गया, ऑटो पे तो कोई था नहीं, सिर्फ आरिज ही था। तो खैर और बस खाना नाश्ता वाश्ता करके फिलहाल बैठे हुए, और आज काफी दिन के बाद मछली भी बनाया है तो खाएंगे। उधर पापा के लिए तो मंगा ही ले रहे थे, उधर मंगा दिया था, तो आज खैर आरिस भी तैयार हुआ है मछली खाने को, कि ठीक है कांटा निकाल करके देना तो वो खाएगा, तो खैर चलो अच्छा है, जब वो भी खाए सब लोग खाता है ना तो फिर सही रहता है कि चलो ठीक है, वरना सिर्फ एक आदमी अगर पापा खाते हैं और बना देते हैं इतना सारा, और पापा को भी ज्यादा नहीं खाना है कि हाँ बहुत ज्यादा खाना, तो फिर इतना सारा मछली रखा रहता है, तो खैर आरिस भी खाएगा तो चलो सोचो चलो आज सब लोग मछली खाएगा तो ठीक है। तो बस फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, जा रहे हैं, बाकी सारा जो काम है वो सब करेंगे, तो बस ब्लॉग में बने रहिए। और आरिस आ गया स्कूल से, खाना पीना भी खा लिया और आज काफी दिन के बाद मछली खाया, कैसा लगा आरिस मछली खा के? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। इसके हटाओ ना चेहरे पर से, वो इतना एकदम तैयार नहीं होते थे तुम, नहीं खाना है नहीं खाना है, तो खाया, तली हुई भी खाया और वो भी खाया, अच्छा लगा ना चावल के साथ, और उसका ग्रेवी भी लिया था तो कैसा लग रहा था? अब कल भी खाना ठीक है। और स्कूल में क्या क्या हुआ आज? सब लोग आया था तुम्हारा दोस्त लोग? वो लोग तो नहीं गया था, अर्णव तुम्हारे साथ जो चाहता है, बहुत कम बच्चे आया था। तो दुर्गा पूजा की सब पूजा के, और ये आदित्य अर्णव कल नहीं गया था, आज भी नहीं गया। ओ बहुत दुर्गा पूजा की वजह से काफी बच्चा नहीं जा रहा है, अब लग रहा है कि स्कूल खुलेगा, अब होगा ना दुर्गा पूजा खत्म तभी जाएगा। और क्या हुआ? हाँ क्यों आज मार्केट क्यों जाना? अरे तो शाम में फिर जाना पड़ेगा हमको मार्केट, सारी कॉपी लाने, अब ला के सब पे कवर चढ़ाओ, एक काम हो गया मेरा एक्स्ट्रा। 3 कॉपी बस। क्या हिंदी और सब्जेक्ट की नहीं चाहिए? क्यों सिर्फ हिंदी की चाहिए? और क्या मैथ्स की चाहिए? और ये सब इंग्लिश की, ये सब पुरानी वाली चल जाएगी? चलो ठीक है, तो बस जा करके कॉपी लाना होगा। चलेंगे शाम में नमाज़ पढ़ के, मगरिब का जैसे जाते हैं वैसे ही चलेंगे।
और अब क्या कर रहे हो, क्या क्या लेके आ रहे हो? इतना सारा चिप्स, ये तो बिस्किट कल ही वाला है, ये वापस नहीं किया था तो एक रह गया। हैप्पी हैप्पी वो खाओगे? चलो खाओ जल्दी से, फिर सोने आओ, 2:30 बज गया है। सोगे तब तो उठोगे फिर जल्दी। और अभी फ़िलहाल 5:30 हो रहा है, नमाज़ पढ़ लिया और आरिजाक जल्दी सो कर के उठ गया, 5:30 में ही उठ गया क्योंकि जाना है आज उसको थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर कॉपी लाने के लिए उसकी, तो इस वजह से। और मौसम तो आज एकदम 2 बजते बजते ऐसा चेंज हुआ, एकदम बारिश की तरह ऐसा मौसम हो गया था, लग रहा था कि अब बारिश होगी, लेकिन खैर अभी साफ़ हो गया है, बारिश नहीं है लेकिन बादल है, लेकिन बारिश हुई नहीं। और जाएंगे अभी तो नहीं जाएंगे, बस अभी तो जस्ट अरिज उठाई है, तो अब 10 मिनट में फिर अजान होगी मगरिब की, फिर चाय वाय पी करके उसके बाद जाना है। ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मेन इसका ही काम है, बस कॉपी लेना है और कुछ ऐसा तो लेना नहीं है, अब कुछ याद आ जाए तो, वरना बस जाके कॉपी लेना है, लेके आना है और बस उस पर कवर चढ़ाना एक काम है सारे कॉपी पर, और बस। और फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, बस बैठे हुए हैं अभी। आरिस तो बस जस्ट उठाई है थोड़ी देर, 5 मिनट पहले उठा है, लेकिन आज जल्दी उठ गया है वो, तो बस अब जाना है, जल्दी से हो के आते हैं। एक तो बस कॉफ़ी दे दी है, दूसरा कि यार इसको अगर कुछ खाना हुआ तो वो खाएगा, बस यही दो काम है और कुछ नहीं है। सेकेंड डे है दुर्गा पूजा का, पंडाल वंडाल पूरा बन गया है, सारा खिलौना ये सब इधर मिल रहा है बच्चे लोगों का। और बस यहाँ पे जो दुकान थी वो वाली, जहाँ पे से लेनी थी कॉपी वॉपी, वो बंद थी, तो बस आगे जा रहे हैं, आगे से जा कर के लेंगे। और काफ़ी भीड़ हो रही है मार्केट में, यहाँ से यहाँ मिल जाएगी, चलो यहीं, चलो यहाँ से ले लेते हैं कॉपी। और हो गया, यहाँ से तो ले लिया, कॉपी भी ले ली और आज अपना राइटिंग पैड भी लिया, एग्जामिनेशन पैड तो वो भी ले लिया। और अभी जा रहे हैं यहाँ से सेब और ये ले लेते हैं ना, सेब और उस दिन लिया था, सेब ले लेते हैं यहाँ पर से आ गए हैं तो। दुर्गा पूजा की सजावट हो गई है, कल से स्टार्ट हो गया दुर्गा पूजा, तो लाइटिंग लग गया है थोड़ा बहुत, पूरा तरह से अभी पंडाल नहीं बना है, ये सब अभी बन रहा है, अभी तो टाइम है। और इधर लाइट लग गया, उस दिन हम लोग आए थे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ बांस बना हुआ था, और आज काफ़ी लग गया है, तो बस जा रहे हैं अभी। यहाँ पे सामने मोमो नेशन है, वहीं से आरिस के लिए कुछ खरीद लेंगे और उसको जो लेगा वो। और बस अब आ गए हैं मोमो नेशन, तो आज इसके लिए कुछ ले लेता है जो खाएगा। और अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो 7 भी नहीं बजा है, तो यहाँ पर आए थे तो यहाँ से ले, यहाँ का चाउमीन तो अच्छा होता है इस तरह पे, और इसको अच्छा लगता है, तो नहीं होगा तो कुछ चाउमीन ही ले लेंगे, या फिर देखें मोमोज भी यहाँ का अच्छा होता है, मोमोज लेगा क्या लेता है। और अभी आरिस देख रहा है क्या लेगा, डिसाइड कर रहा है, चाउमीन लेगा या मोमोज लेगा या फिर कुछ और, या बर्गर लोगे, सैंडविच लोगे, क्या लेके जाओगे, पास्ता भी है यहाँ, देख लो क्या लेना है। चिकन नूडल्स लो, चिकन नूडल्स लोगे, ठीक है ले लो यहाँ से चिकन नूडल्स ले लो, और कुछ लोगे तो देख लो। और हो गया आरिस दे दिया, और जब चिकन चाउमीन का दिया है और वेज मंचूरियन, और बोल तो रहे हैं कि एकदम स्पाइसी भी रहेगा, सादा रहेगा मंचूरियन भी, मतलब इनको बोल दिया सादा बनाने के लिए, वैसे हल्का सा तो स्पाइसी होता है मंचूरियन, लेकिन ट्राई करेंगे कि ना रहे, बस पैक करा के ले जाना, यहाँ पे नहीं खाएगा घर पे ही ले जाएंगे, तो वो भी तो बनाने में 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मार्केट पूरा सजा हुआ है दुर्गा पूजा के लिए, लेकिन अभी तो आज तो सेकेंड ही डे है, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम है मतलब मूर्ति ये होती बैठने में भी टाइम है, अभी तो दुर्गा पूजा में टाइम है, मतलब स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन वैसे पूजा मतलब जो मूर्ति का फेस खुलता है तो उसमें तो अभी टाइम है, इसलिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, पंडाल बन रहा है पूरी तरह से अभी, मतलब पूरा अच्छे से लगा नहीं है कपड़ा उस पर, लेकिन शुरुआत हो गई है पूरी, मार्केट में एकदम रोशनी है, भीड़ भाड़ है, काफ़ी भीड़ भाड़ है मार्केट में। हो गया सब सामान ले गए यहाँ से, बस अब घर निकल रहा है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था, जो थोड़ा बहुत करना था बस ले लिया, मेन आने का कॉफ़ी लेना था तो वो सब ले लिया है, सब जा रहे हैं।
और अब जा रहे हैं, सब कॉपी सब पे कवर लगा देते हैं, तो यही वाली कॉपी लिया है। वैसे ज़रूरत तो बस दो ही की थी, लेकिन ले लिया है पाँच, कि कभी भी ज़रूरत हो जाती है तो फिर जाना पड़ता है इमरजेंसी में। और एक आरिज अपना ये वाला राइटिंग पैड, एग्जामिनेशन पैड लिया है, उसका थोड़ा ख़राब हो गया था तो ये वाला लिया है। ये वाला कैसा है? बड़ा हल्का लेकिन लग रहा है, पतला है बहुत। तुम्हारा जो था पहले थोड़ा मोटा था ना, ठीक है एग्ज़ाम ही देना है। ये वाला स्टोन हम लोगों के पास, अच्छा पहले हम लोग के पास डोरमेट था इस टाइप का ना, कुछ था ऐसा इस डिज़ाइन का इसी टाइप के टायर इसका स्टोन का तो वैसे ठीक है। रहने दो इसको, अभी ऐसे ही रहने दोगे या निकाल दोगे पन्ने से? निकालो, देखो निकाल के। और इस अभी इधर पढ़ाई कर रहा है अपनी, साइंस क्वेश्चन आंसर लिखाया गया वो याद कर रहा है। कवर लगा दिया दोनों कॉपी में, दो ही में लगाया, अभी बस दो की ज़रूरत है। और लो लगा लो स्टिकर दोनों में, लगा के नाम लिख लो अच्छे से। निकालो सही से, कहाँ पे लगाओगे? नीचे लगाओ, दोनों में लगाओ और दोनों में नाम। दोनों हिंदी की है या एक दूसरे सब्जेक्ट की है? दोनों हिंदी की है। और देखो अब और सब्जेक्ट के सर आएंगे तो बताएंगे, बोलेंगे चेंज करने को, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए तो जाके एक बार में ज़्यादा कॉपी लेके आ गए कि बार बार जाना ना पड़े। लगाओ और सब पे नाम लिखो। हो गया, लग गया, ठीक है। और जाओ जाके नाम लिखो सब पे। और अभी फिलहाल 10:30 हो रहा है, अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।